पाकिस्तान तो सदमे में है ही, भारत ने समंदर के भीतर से मिसाइल लॉन्च कर वो ताकत वो कुवत हासिल कर ली है जो दुनिया के सिर्फ चार देशों के पास ही मौजूद थी। देखिए क्या है हिंदुस्तान की ये नई ताकत हमारी इस रिपोर्ट में। आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं फनी इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर्स के बारे में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये बस एक मजाक है, इसे सीरियस मत लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे बेवजह सीरियस ले लेते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि गुब्बारा पाकिस्तान की तरफ से आया था। हीलियम से भरे जिस गुब्बारे को गिराने में 15 मिनट खर्च हो गए, वो सवालों के घेरे में है। गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा था जो कि किसी प्राइवेट कंपनी का। अब भैया क्या बोला जा रहा है? नहीं नहीं भाई, तू पहले काम कर, जाके सो जा, उसके बाद न्यूज बोल लेना। अच्छा तो मुझे अब समझ आया, आने से पहले अपने भाई की किसी से लड़ाई हो गई, लड़ाई का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए जो मुकवाया वो बोले जा रहा है। प्रधानमंत्री पाकिस्तानी। ये देखने के बाद मेरा न्यूज पे से विश्वास उड़ गया। नहीं नहीं यार, तुम ही देख लो, अगर भी जॉब में फोन यूज किया तो तशरीफ पे लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंग में कत्ल होने के मैंने इंग्लिश में लंग बोल दिया ना, लंदन, उर्दू में क्या बोलेंगे? ये देखने के बाद हमें ये सीख मिलती है कि परेशानी में कोई काम किया नहीं करते। मुझे लज्जा आ रही है। अरे कोई लड़की वालों को और मिठाई का डब्बा लेकर आ जाओ, अपने भाई को लड़की पसंद आ गई। नहीं नहीं, शर्मा तो ऐसा रहा है जैसे लड़की सामने बैठी हो। नहीं नहीं यार, तुम सोचो, ये इंटरव्यू देने गया, इसके सामने लड़की आई है और यही ये हरकत करने लग गया तो क्या होगा, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं भाग रही हूँ। अच्छा, ये थी हेडलाइंस और आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खबरें करने का। अगर बीच न्यूज में तुम्हें किसी पर प्यार आ गया तो कंपनी वालों को तुम पे दया आ जाएगी, आते रहना, आज फिर तुम पे प्यार आया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद गूगल अब हैदराबाद में अपना कैंपस खोलेगा। ये कैंपस परमानेंट और बड़ा होगा। गूगल इसके लिए तेलंगाना सरकार के साथ जल्द ही MOU पर साइन करने वाला है। वाह क्या शेर सुनाया। ఇప్పుడు వచ్చింది విరామ్. अबे कोई जल्दी से रेफरी को बुला दो, जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर चालू हो गया। നക്കാരക്കുന്ന തച്ചുണ്ണി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഏതു നേരവും വീഴാറായ നിലയിൽ तो बस यार आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना। जाने से पहले तुम्हारा भाई शेर सुना के जाएगा। अपने देश के बेटियों की इज्जत करना सीखो, उनकी इज्जत उतारना नहीं, अपने माँ बाप की बात सुनना सीखो, उन्हें नाराज़ करना नहीं। सो फिर टिल देन टेक केयर, गुड बाय।